उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक तरफ उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जोरों पर चल रहा है और प्रदेश के बड़े भूमाफिया और गैंगस्टर प्रदेश में खौफ के साए में जीने को मजबूर है, लेकिन फर्रुखाबाद जनपद में इसके उलट तस्वीर नजर आ रही है और भूमाफिया का भाई दिन दहाड़े दर्जनों असलाह लेकर जमीनों पर कब्जेदारी का खौफ कायम करने में लगा हुआ है। माफिया के भाई की करतूत का लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के सदर बाजार का है, जहां पर भूमाफिया खुश नवाज खान के भाई आदिल ने दिन दहाड़े एक दर्जन से अधिक असलाह लेकर दुकानदारों से महज दो घंटे में दुकानें खाली करने का फरमान जारी कर दिया और अगर दुकान खाली ना की गई तो सामान फेंक देने की धमकी दी। माफिया जो हैं उनके भाई जो हैं एक दर्जन असलहे लेके जो है दबंगई कर रहे हैं, पूरे दुकानें खाली कर रहे हैं। क्या पूरा मसला, किस तरीके से पूरा मामला अभी पुलिस को समझा में आया है? मीडिया सेल द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि इस तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है। इस मामले में थानाध्यक्ष कायमगंज, इनको मैंने बताया है कि प्रकरण में तत्काल जांच करें और वीडियो वायरल में जिन लोगों की पहचान हो रही है उनके बारे में ज्ञात करें, वायरल वीडियो की सत्यता का पता लगाएं और अगर इसमें कोई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कानूनी रूप से गलत हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आते हैं तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई। सर, सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि एक दर्जन से अधिक असलहे लेके जो है दुकानदारों से दो घंटे में दुकानें खाली करने की बात सामने आ रही है, तो इस बात से साफ जाहिर है कि वो धमकाने के प्रोसेस से पूरा काम कर रहे हैं। तो पुलिस ने पिछले 10 घंटे हो गए ये वीडियो वायरल हुए, अभी तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, वीडियो वायरल होता है और वायरल वीडियो हमारे तक पहुँचने में कुछ समय लगता है। इसके बाद फिर उस वायरल वीडियो की सत्यता जाँच करने का एक अपना प्रोसेस है, उसमें जो चेहरे हैं वो पहचान में आ जाने चाहिए तथा वो हमारे थाना क्षेत्र में और मेरे यहाँ ऐसी कार्यवाही हो रही है इस चीज़ के बारे में भी तथ्य संज्ञानित होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का जांच हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से अगर ये हमारे क्षेत्र में इस तरह का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है या असलहे लेके किसी को धमकाया जा रहा है, ऐसी कोई बात अगर जांच में आती है तो हम कार्यवाही करेंगे नियमानुसार, वैधानिक कार्यवाही। विभागीय जांच में अभी तक क्या आया जो पिछले कई घंटों के बाद में, क्योंकि संज्ञान पुलिस को भी है काफ़ी देर से? वर्तमान में अभी हमारी तत्काल इस विषय में कोई वार्ता थानाध्यक्ष से नहीं हुई है, उनको मैंने निर्देश दे दिया है, संबंधित क्षेत्राधिकारी को निर्देश दे दिया है। हमें जो भी तथ्य संज्ञान में आएगा, जब आप इसके बाद हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। कब तक संज्ञान आने के संभावना है? अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं मीटिंग में हूँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक बैठक है, उसमें मैं जा रहा हूँ। हमें 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।